हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा रहे हैं। रीजनिंग के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इनइक्वालिटी। बेसिकली इस टॉपिक को इनइक्वालिटी नाम दिया ये इसीलिए क्योंकि इससे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, रैंकिंग पूछते हैं। रैंकिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें रैंकिंग और ऑर्डर वाला जो है, अभी उसमें रैंकिंग ऑर्डर में यहाँ पर क्या करेगा, आपका एक तो पोजिशन वाला पूछता है, ठीक है, और दूसरा आपको बड़ा छोटा आपको ये वाला होता है, डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट से देगा आपको। और दूसरा जो बैंकिंग सेक्शन वाला होता है जहां पर आपके पास सिर्फ चिन्ह होते हैं, आजकल वैसे प्रश्न भी पूछने की आपकी संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को टोटली यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। उसको नाम यहां पर क्या दिया है, इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले हम दो चीज समझते हैं। अगर मैं सपोज मैं एक साइन दिया, अगर मैं एक साइन लिया यहां पर इस तरीके से, यहां पर ये और यहां पर ये और यहां पर इस तरीके से ये साइन लिया, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं कि जहां पर आपके पास क्या होता है, ये ओपन होता है, ये मतलब यहां पर क्या हुआ, ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, बड़े का चिन्ह होता है, और जहां पर ये क्लोज होता है ये यहां पर क्या होता है, स्मॉलर देन का चिन्ह होता है, और ये साइन यहां पर क्या होता है, इक्वल टू का, ठीक है। अगर सपोज मैं ये वाला साइन बोला और यहां पर पी बोला और क्यू बोला तो यहां पे दो कंडीशन बनेंगे, पी एदर ग्रेटर देन क्यू और इक्वल टू क्यू, पी या तो क्यू से बड़ा होगा या तो यहां पर क्या होगा, छोटा होगा, एक ये वाला हुआ, ठीक। अब स्टेटमेंट में आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ए छोटा है बी से, आपने पढ़ा है कि a छोटा है b से, ठीक। तो सभी को क्या करेंगे, हम कॉमन साइन में लेके आ जाएंगे ना, तो पढ़ने में और बनाने में आसानी होगा, ठीक है। आपने पढ़ा a छोटा है b से, आपने पढ़ा है a छोटा है b से, तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, आप उसको लिखेंगे b बड़ा है a से। जैसे अगर आपके पास अन्य इस तरीके से आपके पास आ गया है, ठीक है, अगर आपको मान लो इस तरीके से आपके पास आ गया है तो यहां से हम समझ गए कि a बड़ा है c से, ये सब पोजीशन में अपन लिए, ठीक है, c छोटा है यहां पे d लिखे, ठीक, इसको d, ठीक। अब यहां पर क्या दिया, b बड़ा है किससे, b बड़ा है यहां पर किससे, c से, ठीक है, b किससे बड़ा है, c से, और d, और जो d है वो किससे बड़ा है, b से बड़ा, और किससे बड़ा है, और यहां से बड़ा भी है, और यहां पर इक्वल टू किससे, b से। तो हम यहां पर जब क्या करेंगे, सबको कॉमन साइन में लेके आ जाएंगे तो एक चीज कंफर्म हो जाएगा, डी क्या होगा, हर कंडीशन पे यहां पर क्या होगा, सी से बड़ा होगा, और डी से एक का जो रिलेशन है वो अनिश्चित वाले कंडीशन पे है, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को पढ़ के बनाते हैं, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो पहला, पूरा प्रश्न पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, आपके पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ आप उसको पढ़ते जाइए और उसको साथ में बनाते जाइए और बाद में उसको कोरिलेट करिए। जैसे आपको बोल रहा है, पांच लड़के आपको दिया, वसंत मनोहर से लंबा है, तो वसंत मनोहर से लंबा ये आपने पहला बोला, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, वसंत मनोहर से लंबा लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, तो राजू क्या होगा, वसंत से क्या होगा, लंबा। जयंत दत्ता से लंबा है और जयंत का यहां पर कोई रिलेशन आपको नहीं दिया तो हमने अलग से बना लिया, जयंत किससे लंबा है, जयंत दत्ता से लंबा है लेकिन मनोहर से छोटा है, लेकिन मनोहर से छोटा है। तो यहां पर जो जयंत है और दत्ता से लंबा लेकिन मनोहर से छोटा, मतलब मनोहर से छोटा मतलब मनोहर क्या हो जाएगा, जयंत से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब मनोहर अपने पीछे जयंत और दत्ता को लेके आ रहा है तो मनोहर अपने पीछे जयंत और दत्ता को यहाँ पे साथ में लेके आ गया, तो अब ये पूरा सीरीज बन गया। अब जब पूरा सीरीज हम यहाँ पे देखे तो पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट आपको जो देगा उसको स्टेप वाइज आपको क्या करेंगे, जमाएंगे, फिर हम देखेंगे कि आपस में कोई सा इंटरलिंक्ड है क्या, अगर इंटरलिंक्ड होगा आपको उसको उस जगह वहां पर प्लेस कर देंगे ताकि सभी के सभी आपको एक सीरीज में आपको मिल जाए, ठीक। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, अगला, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक, फिर मैं बनाता हूं।
प्रीति ने राहुल से अधिक प्राप्त किया। तो पहला काम, प्रीति ने राहुल से अधिक प्राप्त किया। यमुना ने दिव्या जितना अंक प्राप्त किया, यमुना का इनसे रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो यमुना इक्वल टू दिव्या, दोनों बराबर हो गया। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम प्राप्त किया, तो इसका मतलब मंजू लोकिता से ज्यादा होगा। ठीक है, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल यमुना से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो राहुल बड़ा होगा किससे? यमुना। और यमुना अपने पीछे किसको लेके आएगी? यमुना अपने पीछे दिव्या को लेके आएगी, क्योंकि यमुना रिलेटेड है किससे? दिव्या से। मंजू ने दिव्या से कम प्राप्त किया, मतलब मंजू ने दिव्या से कम प्राप्त किया, मतलब दिव्या ने मंजू से अधिक प्राप्त किया है, तो दिव्या मंजू से अधिक होगी, और मंजू अपने पीछे किसको लेके आएगी? लोकिता को यहां पर लेके आएगी। ठीक है, तो सबसे कम अंक प्राप्त किसने किया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकिता। क्लियर? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार देखिए आप, फिर मैं बनाता हूं इसको। ठीक है, चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी। देख लीजिए ध्यान से, बच्चा है, बच्चे बी से कम बुद्धिमान है, बच्चा डी सी से कम बुद्धिमान है। बच्चा ए बच्चे बी से, मतलब बी ए बी से कम बुद्धिमान है, तो मतलब क्या हो जाएगा? बी ए से अधिक बुद्धिमान है। सी डी से कम बुद्धिमान है, तो मतलब डी सी से अधिक बुद्धिमान होगा। मैं पहले ही बताया आपको कि जब आपको कम वाला देगा तो सभी को हम लोग क्या करेंगे? अधिक साइन में कर लेंगे, और सभी को हम जब क्या कर लेंगे? कॉमन साइन पे लेके आएंगे, तो आपको बनाने में बहुत आपको आसानी होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है बी सी से कम बुद्धिमान है, मतलब बी सी से कम बुद्धिमान है तो सी बी से अधिक बुद्धिमान होगा, सी बी से अधिक बुद्धिमान होगा, और सी के आगे कौन आ रहा है? अपने आगे डी को लेके आ रहा है, तो सबसे बुद्धिमान है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डी। ये हमारा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच बच्चों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है, रोहित वॉज रैंक लोअर देन संजय। ठीक है, देखिए पांच बच्चों के बारे में बात हो रही है, रोहित वॉज रैंक्ड लोअर, रोहित वॉज रैंक्ड लोअर देन संजय, इसका मतलब संजय को अधिक अंक है किससे? रोहित से। विकास वॉज रैंक्ड हायर देन दिनेश, विकास दिनेश से अधिक रैंक है। कमल रैंक वॉज बिटवीन रोहित एंड विकास, ये आपका रोहित है। ठीक है, कमल कहां पर है? इसके आगे तो ऐसा आ गया है, तो कमल रोहित और विकास के बीच में। ठीक है, तो विकास अपने पीछे किसको लेके आएगा? अपने पास दिनेश को लेके आएगा, तो सर्वोच्च स्थान पर कौन सा? अपने को इजीली दिख गया कौन अपने पास? संजय। अगला, यदि ए बी से ऊंचा है और सी ए से ऊंचा है, यदि ए बी से ऊंचा है, यदि ए बी से ऊंचा है और सी ए से ऊंचा है, और सी ए से ऊंचा है, तो ई एफ से ऊंचा है, ई एफ से तो ऊंचा है लेकिन बी से छोटा है, तो बी से छोटा है। ठीक, जो ए से ऊंचा है। ठीक है ना, अच्छा ये एक्चुअली क्वेश्चन ही है, ए से ना क्वेश्चन ही है लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा है, ई एफ से ऊंचा लेकिन बी छोटा। वो क्वेश्चन पूछा ना कि ए से ऊंचा कौन, हु इज द हायर देन ए, तो यहाँ पर ए से ऊंचा कौन अपने के पूछा है, तो कौन हो जाएगा? सी। ये हमारा आंसर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट, फाइव पर्संस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक, निशु इज टॉलर देन रिया, निशु इज टॉलर देन
रिया बट शॉर्टर देन पूजा, बट शॉर्टर देन पूजा। अमृता इज द शॉर्टेस्ट, अमृता पांच लोग है ना, अमृता सबसे यहां पर आए, एक आदमी यहां पर आएगा ठीक, और या फिर आगे भी आ सकता है। रिया इज शॉर्टर देन निशु, रिया इज शॉर्टर देन निशु बट टॉलर देन निकिता। रिया निशु से तो छोटी है लेकिन निकिता से क्या है, लंबी। और अमृत तो अब से आखिरी में आ रही है, हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट, निशु, ये हमारा ठीक। अब तक अब आपको समझ में आना चालू हो गया इस तरीके से, अब तो जल्दी से बनाएंगे। अखिलेश शिबू से लंबा है, अखिलेश शिबू से लंबा है, अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है, अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है, मतलब अखिलेश अमन से भी लंबा होगा क्योंकि वहां पर बोला है ना अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है लेकिन तजिंदर से लंबा है, लेकिन तजिंदर से लंबा है ठीक है भाई। शिबू भी अमन जितना लंबा नहीं है, शिबू भी अमन जितना लंबा नहीं है, मतलब शिबू अमन जितना लंबा नहीं है। अच्छा यहाँ पे चीज समझना, शिबू भी अमन जितना लंबा नहीं है, शिबू अमन जितना लंबा नहीं है, मतलब अमन क्या होगा, शिबू से लंबा होगा। अमन किससे लंबा होगा, अमन जो होगा ना, अमन जो होगा वो शिबू से लंबा होगा, अमन जो होगा शिबू से लंबा, लेकिन तेजिंदर से लंबा है, लेकिन ये तेजिंदर से लंबा है ठीक है भाई, तेजिंदर से लंबा है ठीक। तो अमन के सामने में कौन, अमन जो है उसका कौन आ रहा, अखिलेश आ रहा है, तो अखिलेश सबसे लंबा हो जाएगा आपके पास चार लोग के बारे में, टॉलेस्ट कौन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अखिलेश हो जाएगा। चलिए अगला, हाँ अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया ठीक है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, अपन अगले पैटर्न पे हैं, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। पहले ही बता रहा हूं आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको जितना स्टेटमेंट दिया हुआ है आप उसको बनाते हुए चलिए, उसको मतलब कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, बनाते चलेंगे तो जैसे जैसे आपको वहां पर आपके सामने क्या होगा फिगर और प्रश्न आपके पास समीकरण बनता होगा ना, तो वैसे आगे के पहलू आपके पास खुलते जाएंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में दोनों में काम करिएगा, कभी भी गलती में मत करिएगा कि आप पूरा प्रश्न पढ़ के एक कंक्लूजन में आएंगे फिर उसको आप सॉल्व करना करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे मैथ्स और रीजनिंग में ठीक। जितना पढ़ेंगे उसको लिखते चलिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली अगला कदम आपके पास आता जाएगा। पांच लोग के बारे में बात हो रही, ए बी सी, ईच ऑफ देम इज डिफरेंट वेट ठीक है, डीज वेट इज मोर देन ओनली 3%, डी का भार केवल तीन से अधिक है, डी का भार केवल तीन से अधिक है, तो एक दो तीन ये तीन से अधिक है और डी बाकी से क्या होगा छोटा होगा, तो एक ही पास एक ही है अपने पास, एक यहां पर ये वाला बच्चा है ठीक है ना। ओके बी का जो वेट है ना, बी का भार ई से अधिक है और सी से कम है। अच्छा बी का भार सी से किससे अधिक है, बी का भार ई से अधिक है लेकिन सी से कम है, ये तीनों एक जगह आएगा तो ये तीनों एक साथ आएगा तो जगह यहीं पर आएगा ठीक है। ए सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, डी सी से हल्का नहीं है, बिल्कुल सही है, ए बी से भारी है तो एक ने एक जगह एक ही पद बच गया, तीसरा सबसे भारी कौन है हमारे पास, सी ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया इसको अपन सी कर लेते हैं, ए बी ई इसको सी कर लेते हैं, तीसरा सबसे भारी कौन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा ठीक। बी का भार ई से अधिक है ठीक है, बी का भार ई से अधिक है लेकिन सी से कम है, हाँ ए सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, डी सी से हल्का है, अच्छा डी सी से हल्का नहीं है तो डी भारी होगा, हाँ बिल्कुल सही, ए बी से भारी है, हाँ तो कौन हो जाए अपने पास, उनमें से तीसरा भारी व्यक्ति सी हो जाएगा हमारा ठीक। P Q R S T और U having different topics. P है more topics than only S and T. मतलब P के पास सिर्फ S और T से ज्यादा है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा S T, T और S.
पी के पास क्या होगा, सिर्फ दो से यहां पर क्या है ज्यादा है, बाकी सबसे यहां पर क्या होगा कम होगा, ठीक। बट लेस देन क्यू, बट लेस देन क्यू मतलब क्यू के पास यहां पर क्या होगा पी से ज्यादा होगा। आर हैज मोर टॉपिस देन यू, आर के पास यू से ज्यादा है, आर के पास यू से तो ज्यादा है, आर के पास यू से ज्यादा है, ठीक है, आर के पास यू से ज्यादा है, लेकिन बट लेस देन क्यू। अच्छा, आर के पास यू से ज्यादा है, आर के पास यू से ज्यादा, लेकिन आर के पास यू से ज्यादा है, आर के पास यू से ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, आर के पास यू से ज्यादा है लेकिन क्यू से कम है, लेकिन क्यू से मतलब क्यू के पास आर से ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आ गया, क्यू के बाद कौन आएगा आर, आर के बाद कौन होगा यू, मतलब क्यू के बाद यहाँ पर कौन होगा आर, और यहाँ पर क्या होगा यू होगा, और यहाँ पर क्या होगा पी होगा, ठीक, ये कंडीशन बनेगा, ये वाला कंडीशन बनेगा, ठीक, लेकिन क्यू से कम है, ठीक है भाई, क्यू से कम है। सबसे कम टॉफी है, सबसे कम टॉफी, अच्छा पी के पास क्या सिर्फ दो से अधिक है ना, किससे, एस और टी से, तो आपको तो ये नहीं बताया कि लास्ट में एस और टी में अधिक किसके पास, आपको ये बताया कि आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट में जो दो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है, वो टी भी हो सकता है और वो एस भी हो सकता है, क्योंकि उनका पोजीशन फिक्स नहीं है। फाइव बॉक्सेस ए बी सी डी आर प्लेस्ड वन अबव वन अंडर, ठीक है, ध्यान से देखिए, बना के देखिए, ट्राई करिए, पांच बॉक्स है ए बी सी डी ई, एक के ऊपर रखा गया, यदि ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है लेकिन ई के नीचे, सी डी के तो ऊपर है लेकिन ई के नीचे, तो ई से ऊपर है, और डी ए से ऊपर है, डी ए से ऊपर है, तो ए इधर आ जाएगा, ए अपने नीचे किसको लेके आएगा, बी को लेके आएगा, तो बीच में कौन सा डिब्बा है, डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, डी कहां पे होगा अपने पास, बीच में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभी के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि यहां पे दो चीजों के बारे में बोल रहा है, छह व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी और यू के भार और ऊंचाई अलग है, तो हम दो चीज का कैटेगरी बनाते हैं, ऊपर में बनाते हैं, इधर बनाते हैं भार वाला, और इधर बनाते हैं लंबाई वाला, भार और लंबाई का अपन अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो कंडीशन बोल रहा है क्यू पी और टी से लंबा है, क्यू पी टी से लंबा है, लेकिन पी और टी में कौन आपस है अभी अपना ये नहीं बोल सकते, क्यू पी टी से तो लंबा है, तो लंबाई का है ना, अच्छा लंबाई का उधर होगा क्यू पी और टी से लंबा है लेकिन पी और टी से हल्का है, पी और टी से हल्का है मतलब पी और टी क्यू से भारी, ठीक है, ओके। एस क्यू से लंबा है, एस क्यू से लंबा है, टी केवल आर और यू से लंबा है, टी केवल आर और यू से लंबा है, अच्छा टी दो लोगों से लंबा है, टी केवल आर और यू से, टी केवल आर और यू से लंबा है, ठीक है ना, टी केवल आर और यू से लंबा है, बाकी सबसे यहां पर क्या है छोटा है, अच्छा जब ये बोलेगा कि मतलब यहां पर टोटल छह लोग हैं तो टी के बाद दो लोग आना चाहिए, टी केवल आर और यू से लंबा है, मतलब यहां पर पोजीशन फिक्स हो गया कि छह लोग में टी यहीं पर आएगा, पी उससे पहले आएगा, और इसके बाद यहां पर जो होगा आर और यू कौन है अभी हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आर और यू का पोजीशन हमारे पास फिक्स नहीं है। केवल एक व्यक्ति पी से हल्का है, केवल एक व्यक्ति पी से हल्का है, बाकी सभी पी से भारी है, बाकी सभी पी से भारी है, केवल एक व्यक्ति पी से क्या है हल्का है, बाकी सब पी से भारी होगा, तो यहां पर मजबूरी वर्ष पी के यहां पर साथ में किसको लेके आना पड़ेगा, टी और उसके पी को, और यहां पर कौन लेके आएगा, टू। एस आर और टी से भारी है, एस आर और टी से भारी है, अच्छा एस आर और टी से भारी है, ठीक है भाई, एस का पोजीशन यहां पर आएगा और आर और टी यहां पर आएंगे, ठीक है,
आर यहां पर आएगा, ठीक। लेकिन सबसे भारी नहीं, सबसे भारी नहीं है, ठीक है। तो एक ही आदमी बच गया है, वो कौन है? यू, ठीक। ये बोला है यू से भारी लोगों की संख्या उतनी है जितनी उससे छोटी है, जितनी उससे छोटी है। यू से भारी कोई है क्या? नहीं। तो यू छोटा कोई होगा क्या? नहीं होगा। तो सीक्वेंस बनेगा लंबाई में एस क्यू पी टी आर और यू, ये बनेगा सीक्वेंस किसके में? ये सीक्वेंस बनेगा लंबाई वाले में, और भार वाले में हमारे पास ये बन चुका है यू एस टी, ठीक। निम्नलिखित में से समूह में कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यू सबसे छोटा, ठीक है, यू सबसे छोटा। हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन आर? आर से कितने लोग हल्के हैं? आर से कितने लोग हल्के हैं? तीन लोग, टी पी और क्यू, तीन लोग। सबसे भारी, सबसे भारी अपन देख चुके हैं, सबसे भारी अपन नहीं देखते, सबसे भारी यू, सबसे भारी कौन होगा? सबसे भारी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? यू, ये हमारा, ठीक। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट वाला हमारे पास आ गया। ये जो पैटर्न है ना, पहले आपके पास क्या होता था, बैंकिंग वाले पोर्शन में आपको ज्यादा पूछता था, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है आपको इस टाइप वाला आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन उसको अपन लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से बनाएंगे ना, तो आपका बहुत आसानी से बनेगा आपके पास, ठीक है। पहले आपने यहां पर पढ़ा, ठीक। यहां पर हम देखें, पहले समझते कैसे रिलेशन बनता है। पी किससे बड़ा है? पी या तो बड़ा है या तो बराबर है क्यू के, ठीक है। और यहां पर क्या बोल रहा है, और क्यू किससे बड़ा बराबर है किससे? आर से। और आर किससे बड़ा है? आर बराबर है एस के। आर और एस यहां पर क्या है? बराबर है। आर और एस यहां पर बराबर है। तो यहां पे दो कंडीशन बन रहे हैं, देखो दो कंडीशन क्या बन रहा है, पी बड़ा है और बराबर है क्यू के, और क्यू बड़ा है और बराबर है आर के, और यहां पर एस। अगर मुझे पी और एस का संबंध देखना है, P और S का संबंध देखना है ना, तो दो कंडीशन बनेगा। अगर P बड़ा को लिया तो एक कंडीशन बनेगा, P बड़ा होगा किससे? S से। और अगर मैं P Q के बराबर है, P R के बराबर है और P S के बराबर है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि P और S यहां पर क्या दिया अपने पास, किसके हो जाएगा यहां पर? तो दो कंडीशन बनेगा, P R से बड़ा भी हो, P S से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये बना। तो आपको इंटररिलेटेड आपको समझना जरूरी है। अब S किसके बराबर है? S किसके बराबर है आपको यहां पर? आपको S यहां पर किसके बराबर है? T से अपने को यहां पर, T से बराबर है, बड़ा अपने को अलग अलग अपने को दिया हुआ है, ठीक। अब हमको यहां पर बोला है कि पहला P और U का संबंध बोला है, किसका बोला है? P और U का संबंध बोला है, P और U का। तो अब अगर सपोज मैं यहां पर पी और यू के संबंध के बारे में बात, निश्चित तौर पे टी पी से लंबा है, टी यू से लंबा है, छोटी है कि टी यू से क्या होगा, लंबा होगा। और अगर सपोज मैं बराबर चिन्ह को लेके जाऊंगा, तो अगर मैं बोला पी और टी बराबर है और टी यू से लंबा है, तो पी यू से लंबा होगा, निश्चित तौर पे होगा, ठीक। अब अगर सपोज मैं बड़ा साइन भी लूंगा, अब अगर मैं बड़ा साइन भी लेता हूं, तो भी वहां पर एक ही कंक्लूजन निकलेगा, P किससे लंबा निकलेगा? U से निकलेगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलेगा, वो यहां पर क्या होगा, P निश्चित तौर पे U से लंबा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन सा, दो। तो केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक। याद रखिएगा, ये पैटर्न पहले बैंकिंग पूछता था, लेकिन अभी के जो आपके मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज हुआ है और सीसेट का सिलेबस थोड़ा सा हाई हो गया है, तो हम कोई सा भी अपना पोर्शन को अधूरा रखना नहीं चाहते हैं, जिससे आपके सारे पोर्शन आपके कवर हो जाए, एक आपको व्यू मिल जाए कि अगर सपोज बाय चांस आपको वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक। पैटर्न आपके पास टोटली चेंज हो गया है, अभी हाल ही में जो दूसरे दूसरे
दूसरे स्टेट्स के जो आपके पीएससी के एग्जाम्स हुएंगे उसको फॉलो करें, और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उसको फॉलो करें, हमारे मॉक टेस्ट पे आए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, और जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम टाइम का जो एग्जाम फियर होता है वो आपका चला जाएगा। क्यों, ये कॉमन सा तकलीफ होता है कि बच्चा क्या करता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है तो वहां से वो प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन जब वो सेम क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो वो हमसे नहीं बनता। वो क्यों होता है, क्योंकि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण होता है, और हम ये समझते हैं कि जो प्रश्न हमसे एक बार बन गया है तो वो हमें आता है, हम उसको दोबारा प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो एग्जाम क्लियर है, और एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप किसी भी चीज को इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और उसको बार बार यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीटेंस करेंगे, और जब दोहराव करेंगे तो वो आपके आदत में शामिल हो जाएगा। जब वो आदत में शामिल हो जाता है ना तो आपसे प्रश्न आपसे पास बनने इजिली चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज को याद रखना है कि अभी हाल में जितने भी एग्जाम जहां जहां पे हुए वो सारे के एक बार क्या कर लेना, उसको रिव्यू कर लेना। ठीक, जैसे आपका जीएस पोर्शन आप कवर कर लेंगे तो आपका जो मेन जो आपका होता है करंट अफेयर्स वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, और एक आइडिया हो जाएगा एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन पूछता आपके पास, वो भी हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, अगला आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से बनेगा आपका ये। सेम वही अपने पास स्टेटमेंट है ना, वही वाला अपने पास सेम है, PQR वाला, हाँ वही वाला। हमको निकालने बोला टी और क्यू का संबंध, टी और क्यू का संबंध, टी और क्यू का संबंध, ये जस्ट ऑपोजिट है पी से। अब ये तो हमने बता दिया कि पी बड़ा है किससे, टी से। अब टी और क्यू का निकालना है, हमसे इतने के कंडीशन को लेते हैं, हम इतने से कंडीशन को लेते हैं। दो लिए, अगर मैं लिया Q को R के बराबर लिया, R को S के बराबर लिया और S को T के बराबर लिया, तो एक कंडीशन निकलेगा कि भाई Q और S यहां पर क्या होंगे, बराबर। बात समझ रहे हैं, Q और S यहां पर क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना, और दूसरा अगर सपोज मैं यहां पे लिया, सपोज बड़े वाले को लिया, Q R से बड़ा है, R और S बराबर है, S T से बड़ा है, तो निश्चित तौर पे Q किससे बड़ा होगा, Q, अच्छा Q और T का है ना, अच्छा Q T से, यहाँ पे T ले लेते हैं, Q यहाँ पर Q T के बराबर होगा। और अगर सपोज मैं ये वाला लिया तो निश्चित तौर पे Q किससे बड़ा होगा, यहाँ पर Q किससे बड़ा होगा, यहाँ पर ये होगा। तो हम दोनों कंडीशन में कोई सा भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q ग्रेटर देन लेस देन टी होगा, या फिर टी इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बन रहा है, सिर्फ एक ही वाला बन रहा है, कंक्लूजन वन फॉलोज होगा ये हमारा। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट, सेम वही है क्या, नहीं थोड़ा सा अलग, पार्ट पार्ट में ब्रेक है। ठीक है ना, इससे पहले देखिए आप ट्राई करिए फिर बताता हूं मैं कैसे बनेगा, पार्ट पार्ट में ब्रेक है ये वाला। ठीक, देखो पहला पोर्शन किसका दिया है, ये पहला पोर्शन, अच्छा यहां ध्यान से देखना ये वाला पोर्शन, बात समझ में, माइनस क्यू लिखा है यहां पर, मैं पहले बताया था आपको, अगर सभी को आप एक ही चिन्ह में एक ही साइन पे लेके जाएंगे बड़े वाले में तो आपको आसानी होगा, और यहाँ पे वो छोटा वाला चिन्ह दिया होगा। ठीक, और साथ में इक्वल टू आर दिया है, एस इक्वल टू आर, ठीक है, ये हमको दिया, और वी V बड़ा है W से, है ना, बड़ा बराबर है W, बड़ा और बराबर है किससे, X से,
और V और R बराबर है, V और R बराबर है, V और R बराबर है, मतलब इस R की जगह अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। R संबंध क्या बन सकता है, ठीक, R से अगर मैं लिया तो, अगर मैं यहां पे R लिया तो एक कंडीशन बनेगा R क्या होगा, R X से बड़ा होगा, और दूसरा कंडीशन यहां पर क्या बनेगा, R और X यहां पर क्या होगा, दोनों यहां पर क्या होगा, बराबर, R और X यहां पर क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं बोल सकते, दोनों नहीं बोल सकते, दोनों निश्चित रूप से नहीं बोल सकते, या होगा, ठीक है, दो कंडीशन होगा। अगर मैं इक्वल टू लिया, क्योंकि यहां पे क्या है, दो कंडीशन है, ये यहां पे दो कंडीशन है, ठीक है, या तो ये होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, ठीक, दोनों एक साथ नहीं है। जैसे मैं बोला V के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिया, तो इसका मतलब V या तो W से बड़ा होगा या क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन में कोई सा भी एक हो सकता है, तो और वाला, इसीलिए निष्कर्ष या तो एक होगा या दो में से एक सत्य है, दोनों में कोई सा एक हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में या वाले में करना, जब आपको दोनों देगा, निश्चित तौर पे सत्य को तब आप लेके चलेंगे, निश्चित दोनों मतलब ये भी हर जगह जस्टिफाई कर, हर कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन दिया ना, अगर ये भी हर कंडीशन को जस्टिफाई करेगा और ये भी हर कंडीशन जस्टिफाई करेगा तो दोनों सत्य होगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इक्वल टू, ये वाला जो साइन है ना यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों में किसी एक को लिया है, उसको याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। M का N से संबंध दिया, N का O से, O का P से, S R ये दिया, ठीक। चलिए पहले यहां पे देख लेते हैं, कॉमा दिया ना, तो M का संबंध किससे दिया हुआ है, N से बड़ा है और N से, N छोटा है मतलब O किससे बड़ा होगा, N से, O बड़ा होगा N से। अच्छा, अगर O N से बड़ा होगा ना, तो अगर M और N बराबर होंगे, M और N बराबर होंगे, तो क्या होगा, O क्या होगा, M से बड़ा होगा। लेकिन M अगर सपोज मान लो N से बड़ा है, मान लो N से बड़ा है, तो वहां पर क्या होगा, M और O के मध्य में रिलेशन कोई सा भी हो सकता है, कि M O से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और O M से छोटा हो सकता है, या M O से छोटा हो सकता है, M और O दोनों बराबर हो, कोई कुछ भी हो सकता, हम नहीं बोल सकते, ठीक। और पी बड़ा है और बराबर है किसके, योग के, ठीक, ओके। दूसरा, एस बड़ा है आर से, ओके, बराबर है आर के, और आर बड़ा है क्यू के, और क्यू और पी बराबर है, क्यू और पी बराबर है, तो हर स्थिति में एस पी से बड़ा होगा, एस क्या होगा, पी से बड़ा होगा, एस पी से बड़ा होगा, ठीक है, SP से बड़ा होगा। अच्छा, हम अगर मान लो ये लेके चलते हैं कि S और M और N बराबर है, M और N अगर मान लो बराबर है, M और N बराबर होगा तो क्या होगा, O बड़ा होगा, मतलब इस कंडीशन पे क्या होगा, S क्या होगा, M से बड़ा होगा, S क्या होगा, M से बड़ा होगा, ठीक, S M से बड़ा होगा, ये तो हो सकता नहीं, ये तो हो सकता नहीं, ठीक है, एस एम से बड़ा होगा, ये क्लियर है। अच्छा, अब अगर सपोज मैं एम को एन से बड़ा लिया, एम को एन से बड़ा लिया, तो अगर सपोज एम को एन से बड़ा लिया, तो यहां पे क्या कंडीशन हो सकता है, सपोज मैं एम को एन से बड़ा लिया, एम को एन से बड़ा लिया ना, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, कि यहां पर एस छोटा हो सकता है ना, एस छोटा हो सकता है एम से, एस बड़ा हो सकता है एम से, कोई सा भी हो सकता है, तो ये दोनों में ना कोई सा एक ही कंडीशन बनेगा, ठीक है, दोनों तो बन नहीं सकता कंफर्म, लेकिन दोनों में से क्या होगा, कोई सा एक कंडीशन बनेगा, वन ऑफ द कंक्लूजन, वन और टू में से एक हमारे पास क्या होगा, सत्य, ठीक। तो ये है हमारा टॉपिक इनइक्वालिटी, बेसिकली इसमें रैंकिंग कवर किए हैं, और अभी जो लेटेस्ट बैंकिंग के पैटर्न, जो आपका इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन होता है, जहां से अब आपके प्रश्न पूछने की संभावना, साथ में हमने उसको भी कवर किया। अभी से याद रखिएगा, तैयारी को थोड़ा व्यापक और थोड़ा विस्तृत और थोड़े से ऊंचे स्तर पे करिएगा, क्योंकि पोस्ट इस बार आपके कम आए हैं, लगभग 230 में कुछ पोस्ट आने की संभावना है नोटिफिकेशन के हिसाब से, और अपकमिंग एग्जाम में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों को गवर्नमेंट जॉब का जो ललक हो गया है,
वो उनका एक्चुअल मतलब उनको समझ में आए गवर्नमेंट जॉब कितना इंपॉर्टेंट है और वो हायर पोस्ट में आएंगे तो उसका कितना बड़ा फायदा होता है ये सभी को मालूम है। तो आप भी मेहनत करिए, कोको के सीरीज से जुड़े रहिए और पूरा फायदा उठाइए। ये जो सीरीज आपका एमसीक्यू है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कब काम आएगा, जब आपके पास एग्जाम के लिए कम समय होगा और क्विक रीजन करना होगा और आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चन काम के आने वाले हैं वो आपको अगर आपको देखना है तो इससे अच्छी सीरीज आपको नहीं मिलेगी। जो हमारा सीसेट का पैटर्न है ये आपके पास जनरल स्टडीज जो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं सभी को बहुत अच्छे तरीके से बाइफ्रिकेट किया गया है तो उसका पूरा फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।